हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। और अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ हमने बात करी थी एक जगह की, जिसे जो है डेमन्स ने कब्जा कर रखा हुआ होता है। तो इसी एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इंसान जो है उस जगह को पाने के लिए युद्ध का ऐलान करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें युद्ध का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सभी लोग जो है उसी जगह को कैप्चर करना चाहते हैं जो कि ओरा कलर के लैंड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं और जो मर्चेंट होते हैं वो उस मैप को देखकर एक अच्छा सा रूट ढूंढ रहे होते हैं। ये अच्छी सी जगह जहाँ से जाने और आने में आसानी हो। उन्हें जो है बहुत सारा खाना भी चाहिए फाइट करने के लिए और बहुत सारे बोट की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है पानी के रास्ते अभी यहाँ से जाना चाहते हैं। मर्चेंट का जो दोस्त होता है वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें जो है कोई और भी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर वो उसकी फिरकी ले रहा होता है, क्योंकि वो मियाँ को प्रपोज करके आया होता है और उसने ये बात अपने दोस्त को बता दी होती है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें जो है सिर्फ पैसे से प्यार है, बट तुम्हें उससे भी प्यार हो गया है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है और ऐसी लड़की मैंने आज से पहले देखी नहीं है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि अगर जल्द से जल्द ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए तो तुम्हारा जो प्यार है वो जल्दी से सक्सेसफुल हो जाएगा और तुम उसे पा लोगे, बट पता नहीं ये जो लड़ाई है वो कब तक ख़त्म होगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक यहाँ पर लोग क्लब के अंदर बैठे होते हैं, जहाँ पर एक डेमन गर्ल काम कर रही होती है। इंसान उसे देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। एक बंदा उस डेमन लड़की को उठा कर ले जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कोई और नहीं हीरो ही होता है। उसने जो है यहाँ पर कवच पहना है जो कि डेमन किंग ने दिया हुआ है उसे। वो उसको बोलता है कि इस लड़की को छोड़ दो, और यहाँ पर वो उसको मारने के बाद उस लड़की को ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक राजा जो होता है यहाँ लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसका जो बेटा है वो उसे मना करता है कि प्लीज लड़ाई करने मत जाओ, इसमें किसी का भी भलाई नहीं है, बट वो नहीं मानता है। उसके पास यहाँ पर 200 से ज्यादा पोर्ट हैं, यानी कि यहाँ पर 200 से ज्यादा शिप हैं उसके पास और 6000 से ज्यादा सैनिक हैं, और वो इन्हीं को लेकर फाइट करने के लिए जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हीरो लड़की को बचा कर लाया था वो उसे रूम में लेकर जाता है और यहाँ के एरिया के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की बताती है कि दो तरह के सैनिक हैं, जो एक शहर के अंदर रहते हैं और जो लड़ाई पर जाते हैं। जो शहर के अंदर रहते हैं वो जो है बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो जो है राजा के ही बच्चे हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं, और उनका बर्ताव जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सभी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। यहाँ पर हीरो जो है उसे लगता है कि जो इंसान अगर जीतेंगे इस वॉर को तो यहाँ पर डेमन्स भी इसी तरह से हाल करेंगे। डेमन्स का अगर डेमन जीते हैं तो इंसानों का भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो डेमन किंग है उसने सही ही कहा था। यहाँ पर सभी लोग जो है पैसे का ही पीछा कर रहे हैं और उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर वो उसे यहाँ पर एक टूटे हुए मंदिर में लेकर आती है जिसे इंसानों ने बर्बाद करके रख दिया है। एक हम देखते हैं जो कि बूढ़ा पागल डेमन होता है जो इंसानों को शराब दे रहा होता है। वो कहता है इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, उन्हें मैं ये शराब देता हूँ। ये सब देखकर यहाँ पर हीरो जो है वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इस वॉर को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। हम देखते हैं कि वो शिप लेकर वो जो है आइलैंड को ऊपर कब्जा करने जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे करके सभी नाव को यहाँ पर डुबोने लग जाता है। फिर ये बात यहाँ पर राजा के पास पता चलती है। राजा का जो बेटा होता है वो यहाँ पर बोलने आया होता है जो
सबसे बड़े राजा होते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी थी, अब उन्होंने 6,000 जो सोल्जर हैं उनको ख़त्म करवा दिया है, ये कहीं की बहादुरी नहीं है। वो 6,000 लोग अपने ही थे, किस कोस्ट पे हम लोग जो है जितना चाहते हैं उस राज्य को। उसके बात करने के तरीके से तो हमें यही लगता है कि वो यहाँ पर उस वॉर को रोकने आया हुआ है, बट वहाँ का जो राजा होता है वो कहता है कि अभी तक तुम समझे ही नहीं, तुम्हें जो है अपने फादर के लिए फाइट करना पड़ेगा, उन्हीं का बदला लेना है तुम्हें। यहाँ पर उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो भी कहता है कि चलो मैं जो हूँ अब यहाँ पर फाइट करने के लिए जाऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो मियाँ होती है वो हीरो के दोस्त से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी जाने वाली होती है उसी फाइट में, इसलिए वो यहाँ पर रुकना चाहती है उसे। मियाँ कहती है कि मैंने सभी से झूठ बोला क्योंकि मैं जो हूँ यहीं पर एक डेमन किंग हूँ। ये सुनकर यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है बाहर और वो जो है यहाँ पर सोचने लग जाती है। वो कहती है कोई समस्या नहीं है, ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले ही दिन यहाँ बता दिया है हीरो ने अपनी दोस्त को कि वो जो लड़की है वो डेमन किंग है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे दोस्ती कर लेती है। वो कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो क्योंकि हीरो ने उसे पहले ही मना लिया था। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर छोटी बच्ची जो है मियाँ को सरप्राइज देती है। मियाँ को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर जो है फेस्टिवल मनाया जा रहा है न्यू ईयर के ऊपर, तो उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या बात हो रही है। तो यहाँ उसकी बड़ी बहन बताती है कि न्यू ईयर का फेस्टिवल आने वाला है, इसीलिए हम आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। यहाँ पर छोटी बच्ची जो होती है उसके लिए प्रेजेंट लेकर आई होती है, जो कि एक छोटा डॉल होता है जो हीरो की तरह दिख रहा होता है। मियाँ उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बड़ी बहन उसे परफ्यूम देती है मियाँ को, मियाँ उसे भी लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकती क्योंकि मुझे इस फेस्टिवल के बारे में पता ही नहीं था। तो यहाँ पर वो दोनों मेड कहती हैं कि आपने हमें यहाँ रहने दिया, काम करने दिया, तो यही बहुत ही बड़ी बात है, यही हमारे लिए जो है गिफ्ट के समान है। और यहाँ पर जो मियाँ होती है वो कहती है ठीक है, और छोटी बच्ची कहती है हैप्पी न्यू ईयर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शाम को वो डांस फेस्टिवल में जाने वाले होते हैं, मियाँ कहती है कि मुझे नहीं जाना, तो वो दोनों अकेले ही चले जाते हैं। मियाँ जो होती है यहाँ रात को हीरो के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि मुझे को 1 साल हो गए, मैंने आप तक अभी तक तुम्हें टच नहीं किया है। यहाँ पर मियाँ के पास जो है हीरो के एक छोटी सा टेडी बियर होता है जी, और छोटा वाला जो होता है जो उसे प्रेजेंट मिला होता है वो भी उसके पास होता है। वो दोनों को लेकर सोने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि कम से कम न्यू ईयर के फेस्टिवल पर तुम यहाँ पर आ जाते और मैं तुम्हें हक कर लेती, ये मेरे लिए कितना अच्छा होता। तभी हम देखते हैं कि हीरो यहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि हीरो को देखकर वो खुश नहीं होती, यहाँ पर उसे मारना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, और गुस्सा उसी पर आता है जिससे कि हम प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। इनकी लड़ाई कंटिन्यू रहती है, तभी यहाँ पर एक म्यूजिक की आवाज़ आती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि डांस फेस्टिवल जो है स्टार्ट हो चुका है। तो वो दोनों अपना लाइट जो है लड़ाई करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर हीरो कहता है लाइट ऑन कर लूँ क्या, तो यहाँ बोलती है मियाँ कि नहीं रहने दो, एकदम से तुम आ गए तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। यहाँ पर वो कहती है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही होंगी इसीलिए लाइट बंद रहने दो, तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं तुम बहुत ही अच्छी दिख रही हो, चाहे मैं तुम्हें कभी भी देखूँ तुम मुझे अच्छी ही दिखती हो, या फिर तुमने जो है ड्रेस पहना हो या फिर नहीं पहना हो तुम अच्छी ही दिखती हो। हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जैसे ही थोड़ा सा करीब आते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि डांस फेस्टिवल का जो म्यूजिक होता है वो यहीं पर रुक जाता है, और फिर से यहाँ पर हीरो जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि जो ये लड़ाई स्टार्ट हुई है उसे रोकना है उस लड़ाई को, इसीलिए वो वहाँ पर जा रहा है। वो कहता है कि जैसा आपने कहा था मैं उसी पाथ पर चल रहा हूँ, आप ऐसा मान सकती हैं कि मैं जो हूँ आपका तलवार हूँ, और ऐसा बोल के वो यहाँ से चला जाता है। मियाँ जो है बड़े ही शांत आवाज़ में कहती है कि तुम मेरे लिए तलवार नहीं, तुम मेरे लिए जो हो लाइट हो। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं देखते देखते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और अगला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।